गुड मॉर्निंग बच्चों, हमने शुरू किया था चैप्टर वन पिछली क्लास के ना, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार। और आपका चैप्टर शुरू था यहाँ से, जो कि थोड़ा सा हो पाया था, तो मैं आपको इसको दोबारा से बता रही हूँ। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट एट रोल टॉप डेस्क। मैंने इसे पाया था एक कबाड़ी की दुकान से ब्रिडपोर्ट के अंदर, जो कि एक गोल घूमने वाली मेज थी। अ मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century एंड ओक। आदमी ने कहा था कि 19th century की थी और ओक की बनी हुई थी। ओक एक प्रकार का पेड़ होता है, जैसे होता है ना कि शीशम हुआ, इस तरह से। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर टू एक्सपेंसिव। मैं वो चाहता था लेकिन वो बहुत अधिक महंगी थी। दिस वॉज इन अ बैड कंडीशन, ये बहुत बुरी स्थिति में थी। द टॉप रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, वन लेग क्लम्सली मेंडेड, स्क्रोच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, जिसमें ये बहुत बुरी स्थिति में थी और ये कई जगह से, एक जगह से तो इसका एक टांग टूटी हुई थी और कहीं कहीं से उखड़ी हुई थी और इस पर खरोंच के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, ये थोड़े से पैसों में मिल रही थी। I thought I could restore it. मैंने सोचा कि मैं इसको ठीक कर लूँगा। It would be a risk, a challenge. ये एक रिस्क था और एक चैलेंज, चुनौती भी थी। But I had to have it. लेकिन मुझे ये करना था। I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. मैंने आदमी को पैसे चुकाए और इसे ले आया अपने गैराज के पीछे काम करने के कमरे में। I began work on it on Christmas Eve. और क्रिसमस की शाम को मैंने इस पर काम करना शुरू किया। ये था आपका फर्स्ट पेज बच्चों। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए सेकंड पेज बेटा। I removed the roll top completely. मैंने roll top को, जो ऊपर का जो गोल घूमने वाला हिस्सा था, उसको पूरी तरह से हटा दिया। And pulled out the drawers, और इसकी दराजें निकाली। The veneer had lifted almost everywhere. हर जगह से इसका ऊपर की परत जो होती है ना, जैसे कि जिसमें सनमाइका टाइप का आप बोलते हो, तो उसके ऊपर की परत लगभग हर जगह से उखड़ी हुई थी। It looked like water damage to me. ये मुझे ऐसे लगा जैसे पानी से इसमें नुकसान हुआ हो। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर रोल ऑन द डेस्क। पानी और आग की वजह से इसका ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से डैमेज था। द लास्ट ड्रावर वॉज स्टक फास्ट, और आखिरी जो ड्रावर थी वो फंस गई। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने पूरी कोशिश की इसको आराम से खोलने की। इन द एंड आई यूज टू ब्रूट फार्स, आखिर में मुझे बल लगाना पड़ा। आई स्ट्रक इट शार्पली विथ द साइड ऑफ माई फर्स्ट एंड द ड्रॉवर फ्लू अपॉन ओपन टू रिवेल अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉवर। मैंने इस पर जोर से धक्का मारा अपने हाथ से कि दराज जो है वो खुल गई और उसके अंदर एक छिछला सा भाग था, मतलब थोड़ा कम गहरा नीचे की ओर। उसमें एक सीक्रेट गुप्त दराज थी। देयर वॉज समथिंग इन देयर, वहाँ उसके अंदर कुछ था। आई रीच इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। मैंने वहाँ पे अपना हाथ डाला तो मुझे वहाँ पे काले रंग का टिन का डब्बा मिला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, जिसपे सेलो टेप से एक कागज नोट लिखा हुआ चिपका हुआ था। एंड रिटर्न ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और कांपते हुए हाथों से उस पर लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव January 25th, 1915। और उसमें लिखा हुआ था कि जिम का ये आखिरी पत्र है जो प्राप्त किया गया 25 जनवरी 1915 को। टू बी बरीड विथ मी वैन द टाइम कम्स, जब मेरा अंतिम समय आ जाए तो मेरे साथ ही इसे दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट, और मैं जानता था जो मैंने किया, दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, कि मेरे लिए गलत होगा इस बॉक्स को खोलना,
बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्टपल, लेकिन मेरी नैतिकता के ऊपर मेरी जिज्ञासा हावी हो गई। इट्स यूजुअली डस, ऐसा अक्सर होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप, बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, उसमें पता लिखा था, मिसेज जिम मैकपर्सन, श्रीमती जिम मैकपर्सन, 12 कूपर वेकर, ये एरिया का नाम है कूपर वेकर, ब्रिडपोर्ट, ये भी जगह है, डॉरसेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने उस पत्र को लिया और उसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914, और इसको ये पेंसिल में लिखा हुआ था और उस पर तारीख लिखी हुई थी December 26, 1914। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया आपका सेकंड पेज बच्चों। नेक्स्ट है थर्ड पेज। डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन्ड, द मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। मैं तुम्हें लिख रहा हूँ खुश होते हुए, कि दिमाग में खुशी लिए हुए, क्योंकि कुछ अच्छा हुआ है, घटित हुआ है मेरे साथ, जो मैं तुम्हें तुरंत बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रैचेस यस्टरडे मॉर्निंग, हम अपने अपने भाग में पिछले सोमवार पिछली सुबह थे, खड़े थे। क्रिसमस मॉर्निंग इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, ये क्रिसमस की सुबह थी, लगभग कड़क और शांत। एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, इतनी सुंदर सुबह जो शायद ही मैंने देखी हो। एज कोल्ड एज एंड फ्रॉस्टी, ठंडी और बर्फ़ से भरी हुई। एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसा कि क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, मैं मुझे बताने में समर्थ होना चाहिए कि तुम्हें बताना मैं शुरू करूँ। बट द ट्रूथ, लेकिन सच ये है, आई एम अशेम टू से इट वॉज द फ्रिट्स बिगेन इट, और मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि ये एक कॉमन नाम है जर्मनी के सोल्जर, यानी जर्मनी के जो सैनिक होते हैं उनका, फ्रिट्स। फर्स्ट समवन सा ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस पोजिशन, अपने बंकरों के अंदर सामने की तरफ झंडा लहरा रहे थे सफ़ेद सबसे पहले। देन देवर कॉलिंग आउट टू अस, और फिर उन्होंने हमें पुकारा, फ्रॉम अक्रॉस नो मैन लैंड, वहाँ दूर तक जहाँ कोई आदमी नहीं था। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, टॉमी शुभ क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, तब हमें बहुत आश्चर्य हुआ। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम में से कुछ वापस चिल्लाए, सेम टू यू फ्रिट्स, फ्रिट्स आपको भी, सेम टू यू आपको भी। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैंने सोचा वैसा होगा। वी ऑल डिड, हम लोगों ने भी ऐसा किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, अचानक उनमें से एक जो है वहाँ सामने आ गया अपने स्लेटी रंग के कोट के अंदर और सफ़ेद झंडा लहरा रहा था। डोंट शूट ले, लड़कों शूट मत करना, गोली मत चलाना, समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी नहीं चलाई, मतलब गोली नहीं चलाई। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पार्पेट, और फिर उस जगह पे एक दूसरा सैनिक भी आ गया। फ्रिट्स का मतलब बताया था पहले ही कि जर्मनी सैनिक के बारे में बता रहे हैं, तो दूसरा सैनिक भी आ गया। एंड अनदर, और फिर दूसरा, कीप आवर हेड्स डाउन, कीप योर हेड्स डाउन, अपना सर नीचे कीजिए। आई टोल्ड द मैन, मैंने आदमी से कहा, इट्स अ ट्रिक, ये एक तरीका था, बट इट वॉज नॉट, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पेज, देखो बेटा थोड़ा करने में आती है। नेक्स्ट है, वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग ए बॉटल अबोव हिज हेड, उनमें से एक जर्मनी का व्यक्ति जो था
वो अपने सर के ऊपर एक बोतल लहरा रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे, आज क्रिसमस का दिन है टॉमी। वी हैव स्नैप, वी हैव सॉसेस, हमारे पास में स्नैप भी हैं और सॉसेस भी है। वी मीट यू, हम तुमसे मिलते हैं। यस हाँ, बाय दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टुवार्ड्स अस अक्रॉस नो माइज लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और उनमें से कई लोग जो है वो दर्जनों के लोग थे जो हमारी तरफ चले आ रहे थे और उनके पास में कोई भी उनके राइफलें नहीं थी, यानी बंदूकें नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, और सबसे आगे था छोटा प्राइवेट मॉरिस, नाम है उसका। कम ऑन बॉयज, आओ लड़कों। वॉट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, फिर किसी ने उनको नहीं रोका। आई वॉज ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप दैम देयर एंड देन, मुझे उनको वहाँ रोकना चाहिए था तब, आई सपोज, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन अकॉर्ड टू मी आई शुड, लेकिन सच ये है कि मेरा मानना है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ऑल अलॉन्ग देयर लाइन, सब वहाँ लाइन पे थे अपनी, एंड आवर्स, और हम अपनी। आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवार्ड्स वन अनदर ग्रे कोट्स, और फिर मैंने देखा कि आदमी जो है वो धीरे धीरे चले आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ ग्रे कोट के अंदर। खाकी कोट्स मीट्स इन द मिडल, और जो ग्रे कलर यानी स्लेटी कलर की जो कोट हैं वो खाकी रंग के कोटों के साथ में मिल गए हैं, यानी दोनों तरफ के देशों के सैनिक बीच में मिले हुए हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के बीच के अंदर हम लोग शांति मना रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम कल्पना नहीं कर सकती। डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, माई फीलिंग एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ फ्रिट्ज ऑफिसर, जब मैंने जर्मनी के ऑफिसर की आंखों में वो देखा तो वो भावनाएं तुम नहीं कल्पना कर सकती। हु अप्रोच मी, जो कि मेरे पास आ पहुंचा था। हैंड आउट स्ट्रेच, अपने हाथ फैलाते हुए। हैंड वर्फ ही सेड, उसने कहा। हैंड्स वर्फ, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, मेरे हाथ को पकड़कर गर्म जोशी से उसको पकड़े हुए। आई एम फ्रॉम डॉसडॉर्फ, मैं डॉसडॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा के अंदर सेलो एक वायलिन वादन जैसा एक उपकरण होता है जिसमें म्यूजिक की चीज़ें बजाई जाती हैं, तो उस तरह का एक उपकरण है जिसे बोलते हैं वाद्य यंत्र। तो सेलो जो है ऑर्केस्ट्रा में मैं वो बजाया करता था। हैप्पी क्रिसमस, आपको क्रिसमस की बधाई हो। नेक्स्ट पेज देखिए, आगे देखिए। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया। कैप्टन जिम मैकपर्सन, मतलब मैं कैप्टन जिम मैकपर्सन हूँ। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया। एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आपको भी क्रिसमस की बधाई हो। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड के पश्चिम में जो डॉरसेट जगह है वहाँ मैं एक स्कूल का अध्यापक हूँ। नेक्स्ट देखिए। आ डॉरसेट स्माइल, ही स्माइल, वह मुस्कुराता बोला। आह डॉरसेट, आई न्यू दिस प्लेस, मैं इस स्थान को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, हमने वो मेरी रम जो थी उसको और उसके सॉस का मज़े से साझा करके उसे लिया। एंड वी टॉक्ड, और हमने बातें की। कॉनी हाउ वी टॉक्ड, कॉनी हमने कैसे बात की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो लगभग परफेक्ट अंग्रेजी में बोला। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फूट इन डॉरसेट, लेकिन इट टर्न आउट, लेकिन पता चला कि वह कभी भी वहाँ डॉरसेट में नहीं गया। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और ना ही कभी इंग्लैंड। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने इंग्लैंड के बारे में जो भी जानता था वो स्कूल से जानता था, एंड मतलब स्कूल में पढ़ा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश,
और इंग्लिश में किताबें पढ़ने से। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उसके पसंदीदा लेखक था थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसकी पसंदीदा किताब थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, मतलब पागल होती थी भीड़ से दूर। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सार्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। हम लोगों ने विभिन्न विषयों पर बातें की जिसमें भूमि के लेके कोई बात नहीं हुई। हमने की बाथशेबा के बारे में, गैब्रियल ओक मतलब जो लकड़ी है, पेड़ होते हैं शीशम का, उसके बारे में बात की, सैनिकों के बारे में बात की, डॉर्सेट के बारे में बात की। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उसकी एक पत्नी थी और एक बेटा, बॉर्न जस्ट 6 मंथ्स एगो, 6 महीने पहले जिसका जन्म हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हंड्रेड्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, जैसे ही मैंने देखा लगभग तो वहाँ कई सारे झुंड थे खाकी और ग्रे कलर के लोगों की वर्दी पहने हुए हर कहीं। ऑल ओवर नो मैन लैंड्स, वहाँ चारों तरफ ऑल ओवर नो वन मैन स्मोकिंग लाफिंग टॉकिंग ड्रिंकिंग ईटिंग, जमीन पर हर कहीं कोई सैनिक नहीं बल्कि वो सब एक आम इंसान थे जो कि स्मोक कर रहे थे, हंस रहे थे, बात कर रहे थे, पी रहे थे, खा रहे थे। हैंड्स वॉफ एंड आई शेयर्ड व्हाट वॉज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, और हैंड्स वॉल्फ और मैंने जो तुम्हारा वो तुमने भिजवाया था बचा हुआ केक शानदार वाला, वो हमने शेयर किया क्रिसमस केक कौनी। ही थॉट द मार्जिपियन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, और उसने सोचा कि जो मार्जिपेन है, जो एक प्रकार की मिठाई होती है, वो बहुत स्वादिष्ट थी और उसने शायद ही कभी ऐसी चखी हो। आई एग्रीड, मैं भी सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, लगभग हम हर बात पे सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और फिर भी वो मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, कॉनी ऐसी क्रिसमस पार्टी पहले कभी नहीं देखी। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, और फिर कोई एक, मुझे नहीं पता कौन, एक फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोर्ट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, और ग्रेट कोर्ट्स जो कोर्ट थे उनको रख दिया गया, सबने उतार के ढेर बना दिए जिससे कि गोल का पोस्ट बन सके, जो गोल बंद करते ना उसकी जगह। एंड द नेक्स्ट थिंग वॉज वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट स्विड्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड, और अगली जो चीज़ थी जो कि हम समझ चुके थे कि वो था टॉमी अगेंस्ट ऑफ जर्मनी सैनिक के, जो कि जमीन किसी की भी नहीं थी, मतलब जो कहते हैं ना कि बीच की, जो दो देशों के बीच की जो लाइन होती है वहाँ पे। हैंड्स वॉफ एंड आई लुक्ड ऑन द चीयर्ड क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टम्पिंग आवर फीट। हैंड्स वॉल्फ और मैं जो है खुशी दिखे, ताली बजा रहे थे अपने हाथों से और अपने पैर पटक रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, ठंड को दूर करने के लिए। देयर वॉज अ मोमेंट वैन आई नोटिस आवर ब्रेथ मिंजलिंग इन द एयर बिटवीन अस, और एक पल ऐसा था जब मैंने नोटिस किया कि उसकी और हमारी सांसें जो हैं वो लगभग हवा में मिल रही थी। ही साइड टू, उसने भी इसे देखा एंड स्माइल, और उसने मुस्कुराते हुए कहा, जिम मैकपर्सन, ही सेड आफ्टर अ वाइल, एक पल रुकने के बाद बोला, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वार, और मैं सोचता हूँ कि ये इस तरीके से जिस तरह से हम वार को, युद्ध को सुलझा सकते हैं। ए फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल का मैच। नो वन डाइज इन द फुटबॉल मैच, फुटबॉल के मैच में कोई नहीं मरता। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता। नो वाइव्स बिकम विडोज, कोई भी पत्नियां जो हैं वो विधवा नहीं होती हैं। आई एंड प्रिफर क्रिकेट, और मैं लेकिन क्रिकेट को प्रिफर करता हूँ। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, तब तो हम टॉमीज जो हैं वो निश्चित रूप से जीतते संभवतया। वी लाव्ड एट हिम, हम उसकी तरह हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हम दोनों ने मिलकर साथ वो गेम देखा, खेल देखा उनका, यानी सैनिकों का। सेड टू से कॉनी, फ्रिट्स वॉन्ट टू गोल टू वन, और दुखे पे कहा कि कॉनी, फ्रिट जो है वो जीत गया 2 गोल से।
हमारे एक के बजाय। बट एज हैंसवर्म जनरेट सेड, जैसे हैंसवर्म जो है उसने गोल किया तो उसने कहा आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर, हमारा गोल जो है वो बड़ा था उनकी बजाय, चौड़ा था, दूर का था, सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, इसलिए ये सही गेम नहीं होगा, मतलब जीतने के लिए, यानी कि एक दूसरे को वो अच्छी तारीफ कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में। यहाँ नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा, देखिए फेस लगभग एंडिंग पे चल रहे हैं हम, ये देखो आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, मेरे को बर्लिंगटन के अंदर नर्सिंग होम में मिल गया आसानी से, देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन अ कॉर्नर विथ अ लॉपसाइडेड एंजल ऑन टॉप, वहाँ पे कागज की चेन बनी हुई थी ऊपर हॉल के दरवाजे पे और प्रकाशित हो रही थी, क्रिसमस का ट्री चमक रहा था, मतलब उस पर लाइटिंग हो रही थी जो कि एक कॉर्नर पे रखा था, एंड लॉपसाइडेड एंजल ऑन टॉप और उसके टॉप पर देवदूत थे, आई सेड मैंने कहा आई वॉज अ फ्रेंड कम टू अ वेरी मैक पर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, मैंने कहा कि मैं एक दोस्त था जो आया था मैक पर्सन के लिए लेने के लिए क्रिसमस का उपहार, आई कुड सी थ्रू इन टू अ डाइनिंग रूम, मैंने डाइनिंग रूम में देखा वेयर एवरी वेयरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग, जहाँ हर कोई कागज का टोप लगाए हुए था और गा रहा था, द मैट्रोन हैड अ हैट ऑन टू, मैट्रोन जो है वो भी एक टोप लगाए हुए थी, एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और मुझे देखकर प्रसन्न महसूस किया, शी ऑफर्ड मी ए मिन्स पाए, उसने मुझे मिन्स पाए यानी एक तरह का भोजन वो मुझे ऑफर किया, यानी कि खाने के लिए बोला, मीट का एक वैरायटी है ये मांस की, शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, वो मेरे साथ कॉरिडोर तक साथ चली, मिसेस मैक पर्सन इज नॉट इन विद द अदर, श्रीमती मैक पर्सन नहीं है दूसरों की तरह साथ में, शी सेड उसने कहा शी इज रेदर कन्फ्यूज टूडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड ए गुड रेस्ट, वो जो है अभी कन्फ्यूज हैं और हमने सोचा इसीलिए कि अच्छा होगा कि वो पहले आराम कर ले, शी हैज़ नो फैमिली यू नो, तुम जानते हो उसका कोई परिवार नहीं है, नो वन कोई भी नहीं, सो आई एम श्योर शी विल बी एबल टू प्लीज टू सी यू, इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होगी, शी टुक मी इन टू कंजर्वेटरी, वो मुझे वहाँ तक लेके गई उसके कंजर्वेटरी, मतलब कांच का ग्लास का जो कमरा होता ना उसके पास में, एंड विकर चेयर्स और चेयर्स जो हैं वो आगे करी, एंड प्लांट ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, और मेरे चारों तरफ घूम के और फिर मेरे बाई तरफ आ गई। नेक्स्ट देखिए, द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन द व्हील चेयर, वो बूढ़ी औरत जो है वो व्हील चेयर पर यानी पहियों वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उसके हाथ उसकी गोद में इकट्ठे हुए जैसे होते ना हम बांध के रहते हैं वैसे बंधे हुए थे, शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इन टू विस्पी बन, उसके जूड़े के ऊपर जो है चांदी का सफ़ेद पिन लगा हुआ था, शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो बगीचे की तरफ ताक रही थी, हेलो आई सेड मैंने कहा हेलो, शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, वो घूमी और मेरी तरफ शून्य भाव से देखा, हैप्पी क्रिसमस कॉनी, कॉनी हैप्पी क्रिसमस, आई वेंट ऑन मैं कहता चला गया, आई फाउंड दिस आई थिंक इट्स योर, मुझे ये मिला है शायद ये तुम्हारा है, एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, जब मैं बोल रहा था तो उसकी आंखें मेरे चेहरे से कहीं नहीं हटी, आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने वो टिन का डब्बा खोला और उसे दे दिया, दैट वॉज द मोमेंट
हर आईज लिट अप, ये वो पल था जब उसकी आंखें चमक उठी विथ रिकॉग्नाइजेशन एंड हर फेस बिकम सफिस विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और पहचानने की वजह से उसके चेहरे पे अचानक चमक आ गई खुशी की। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने उसे डेस्क यानी उस मेज के बारे में बताया। अबाउट हाई हैड फाउंड इट, ये भी बताया कि मुझे वो कैसे मिली। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद वो सुन नहीं रही थी। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग, क्योंकि उसने एक पल कुछ भी नहीं कहा। बट स्टोर्ड द लेटर टेंडली एंड विद द फिंगर टिप, बल्कि उसने उसको हाथ में पकड़े रखा अपने कांपती हुई उंगलियों से, पोरों से। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक वो वहाँ तक पहुँची और मेरा हाथ लिया। हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू भर आए। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डेयर सेट, शी सेड, उसने कहा कि तुमने मुझे कहा था कि तुम घर आओगे क्रिसमस पे प्रिय, शी सेड, उसने कहा। एंड हेयर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और तुम यहाँ पर अब आ गए, ये संसार का सबसे बढ़िया क्रिसमस का उपहार है। कम क्लोजर, नज़दीक आओ, जिम डियर, जिम प्रिय, नज़दीक आओ, सिट डाउन, बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास बैठ गया। एंड शी किस माई चीक, उसने मेरे गालों को किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, जिम मैंने तुम्हारा पत्र हर रोज़ पढ़ा। आई वॉन्टेड टू हीयर, मैं सुनना चाहती थी तुम्हारी, योर वॉइस इन माई हेड, मेरे सर में तुम्हारी आवाज़। इट ऑलवेज मेड मी फील यू आर विथ मी, और इससे मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम हो। यू नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू माई योर सेल्फ, और अब तुम वापस आ गए और तुम पढ़ सकते हो इसे खुद। यू वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे जिम प्रिय। आई जस्ट वॉन्ट टू हीयर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और शायद फिर हम सब कुछ चाय लें। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मार्जी पेन ऑल अराउंड, मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस का केक बनाया है। मार्जी पेन मतलब स्वादिष्ट मिठाई। आई नो हाउ मच यू लव मार्जी पेन, मुझे पता है कि तुम्हें मार्जी पेन कितना प्यारा है, मतलब तुम्हें कितना पसंद है। देखो इस पेज में यही है आपके, और इसके बाद में एक पेज और है जो कि अपना लास्ट चल रहा है, देखिए, जिसमें कि आपके क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में मैं केवल आपको स्टोरी बताऊंगी और उसमें भेजूंगी आपको इसके क्वेश्चन आंसर। फिलहाल आपको इसमें इसके वर्ड मीनिंग करने हैं। थैंक यू बच्चों।